तो हाल ही में अयोध्या में से एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ हुए दुष्कर्म ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा के प्रति अपने दावों में असफल रही है। गुप्ता ने कहा है कि जब एक महिला हेड कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी बलात्कारियों को समर्थन करती है और चुनाव के दौरान ऐसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देती है। नहीं है तो एक आम महिला की क्या सुरक्षा की उम्मीद की जाएगी? और ऐसा इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी निकम्मी है, ऐसा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी निकम्मी होने के साथ साथ बलात्कारियों का संरक्षण करती नजर आती है। जब चुनाव होता है तो राम रहीम जैसे लोगों को जेल से बाहर निकालती है। जब ITBHU की छात्रा के साथ रेप होता है तो रेपिस्टों को तो बाहर कर देती है, परंतु उसके लिए आवाज उठाने वाले बच्चों को सस्पेंड करवाती है। इनकी पार्टी में प्रज्वला रवन्ना जैसे लोग मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ में खड़ी हुई है और बेटियों की सुरक्षा वाकई में एक सवालिया निशान है। आपने देखा किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां अपनी इज्जत और अपनी आबरू के लिए संघर्ष कर रही थी और यहां बैठ